हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये हमारे पास 21 इंच का सैमसंग का टीवी है। तो आइए देखते हैं इसका प्रॉब्लम क्या है। तो इसे स्विच ऑन करेंगे हम। हमने इसे स्विच ऑन कर दिया है तो अभी टीवी चालू होने के बाद में आपको पता चल जाएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो देखा दोस्तों, ये हमारा वन साइड पिक्चर शिफ्ट हो गया है। देखा दोस्तों, ये हमारा वन साइड पिक्चर शिफ्ट हो गया है। तो इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, आइए इसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि ज़्यादातर ये प्रॉब्लम यहाँ दो ये पीएफ लगे हुए रहते हैं, इनके वजह से आता है। ये वाला एक पीएफ और इस वाले पीएफ की वजह से आता है, लेकिन ये हमारे दोनों भी सही है। हमने नए लगा के देखे, फिर भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था। ये लगाने के बाद में भी हमारा यह जो ये रजिस्टर लगा हुआ रहता है, एक ये प्रिंट देख पाएंगे, यहाँ लगा हुआ रहता है और ये सीधा आईसी के पॉइंट पे जाता है। ये बूस्टिंग को बैलेंस रखने के लिए यहाँ एक रजिस्टर लगाया जाता है और वहाँ 1.2 वोल्ट यहाँ हमको मिलता है और ये बूस्ट को एडजस्ट करके रखता है। तो ये बार बार रजिस्टर जल जा रहा था तो हमने फिर ये भी चेंज किया, हमने दूसरा रजिस्टर पे लगाई थी फिर भी वो हीट हो रहा था। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये जो ग्राउंड को पीएफ लगा हुआ है नीला, नीला 4700 का है, ये 400 वोल्ट वाला, ये हमारा ख़राब था। इसको हमने अभी नया लगा दिया और ये भी हम रजिस्टर भी लगाएंगे और फिर हमारा टीवी चालू करेंगे। अभी हम अंदर से यहाँ से नहीं लगा सकते क्योंकि ये पूरा प्रिंट जल गई है। यहाँ भी देख पाएंगे पूरी शॉर्ट हो गई थी, हमने इसे कट कर दिया। अभी हम ये ऊपर से ही लगाएंगे और सेट को चालू करके देखेंगे। आपने बहुत से वीडियो में देखा होगा कि ये पीएफ की वजह से प्रॉब्लम आता है और आता भी है अक्सर यही दो पीएफ, क्योंकि हाई वोल्टेज पे काम करते हैं तो यही ख़राब होते हैं। लेकिन आज का ये प्रॉब्लम हमारा, ये हमारा रजिस्टर हीट हो रहा था बार बार, तो ये इस एक पीएफ ख़राब होने के वजह से ख़राब हो रहा था। आपको यूट्यूब पे ऐसा ये इस प्रॉब्लम का वीडियो देखने को भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये बहुत कम ख़राब होता है। तो आइए अब हम इसको, इस रजिस्टर को लगाएंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या रिजल्ट आता है और देखेंगे हमारा ये हीट होता है कि नहीं होता है। तो ये हमने लगा दिया है, देख पा रहेंगे इस पॉइंट पे लगा दिए, ये यहाँ से हमने कट कर दी थी और ये जम्पर के थ्रू हमने यहाँ दे दिए और ये देख पा रहेंगे ये सीधा एक रजिस्टर के होते हुए 12 किलो ओम्स का ये रजिस्टर है, इसके होते हुए आईसी को सिग्नल दे रहा है। तो आइए अभी इसको टीवी को सेट को हम चालू करेंगे, देख पा रहेंगे इंडिकेटर हमारा जल गया है। ये हमारा हीटर भी जल गया है और ये स्क्रीन भी देख पा रहेंगे, अब हमारा पिक्चर ओके हो गया है। मेनू दबाएंगे हम, देख पाएंगे पिक्चर हमारा वे हो गया है। वीडियो चला के देखते हैं, तो ये हमारा पिक्चर ओके हो गया है। और हम इस रजिस्टर को हाथ भी लगाते हैं तो ये कुछ भी गर्म नहीं हो रहा है। पहले इस टाइम में इतना गर्म हो रहा था कि कई रजिस्टर में लगा के देखे लेकिन वो उड़ गए। तो देखा दोस्तों, वो दो
681 नंबर की पीएफ रही थी वो ख़राब ना होते हुए ये हमारा पीएफ ख़राब था। इसके वजह से हमारा रजिस्टर बार बार हीट होके ओपन हो रहा था और यहाँ से किट को उसने जला दिया था। तो हमने ये बाईपास करके यहाँ लगा दिया है और हमारा ये वन साइड शिफ्ट पिक्चर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। थैंक यू।